गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बिटर स्वीट व्लॉग। आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। ये होने वाला है जनपद हॉल पार्ट टू। सो डिले नहीं करके लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनपद मेट्रो स्टेशन से आप जैसे निकलोगे आप लोग को लेफ्ट वॉक करना होगा। लेफ्ट वॉक करते करते जो फर्स्ट शॉप है वहां पे बहुत अच्छा वुलन अफगानी पैंट्स देन कश्मीरी सूट्स अच्छा अच्छा कलर का मिल रहा है। सो मैं वहां पे जाके मुझे एक चिकनकारी कुर्ती पसंद है। नाउ दिस इज द चिकनकारी कुर्ती विच आई लव एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के पास जितना भी चिकनकारी कुर्ती होगा वो सब कम होता है। मतलब इफ इन केस यू लव चिकनकारी वर्क, इफ इन केस यू लव वेयरिंग कुर्तीज, आई फील दैट यू कैन बाय जितना आप लोग को मन है उतना आप खरीद सकते हो। एंड ये वाला मुझे इतना अच्छा इसीलिए लगा क्योंकि ये ब्लैक कलर का है और उसके ऊपर ब्लैक से काम है एंड आई फील कि मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिला। इट वॉज ओनली फॉर 400 रुपीज। अंदर का कमीज नहीं था बट दिस वॉज फॉर 400 रुपीज एंड दिस इज फिटिंग मी लाइक एनीथिंग। लाइक बहुत अच्छा फिटिंग है इसका, कहीं पे कुछ मतलब काम खराब ऐसा नहीं है। सब मतलब एकदम से इसका वर्क, एकदम इसका थ्रेड व्रेड सब सही है एंड मुझे इतना पसंद आया कि मैं इसको ले ली। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं इसको पहन के कैसी लग रही हूँ। वाला जो फर्स्ट शॉप था उसके नेक्स्ट वाला शॉप का नाम है मैग्नेट वाला। नाउ इफ इन केस यू हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस एंड आपको मैग्नेट कलेक्ट करने का शौक है, जैसे कि आई एम लाइक आई लव कलेक्टिंग मैग्नेट्स एंड मेरे फ्रिज में मैग्नेट्स पूरा मतलब लगा हुआ है क्योंकि मैं कहीं पर भी जाती हूँ एज अ मेमोरी मैं मैग्नेट लेके आती हूँ कि आई हैव विजिटेड दैट प्लेस। सम पीपल हैव दिस एक्टिविटी एंड आई रियली लव इट। बट कहीं कहीं ऐसा होता है, कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि आप कोई शहर में रह रहे हो बट उसी शहर का आपके पास मैग्नेट नहीं है। जैसे कि आई हैव स्टेड इन कैलकटा, आई हैव स्टेड इन बैंगलोर, राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, बट इफ इन केस आई एम शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस आई विल डेफिनेटली नॉट हैव द मैग्नेट फॉर दिल्ली। लाइक मैं दिल्ली में भी तो घूम रही हूँ ना, तो मेरे पास दिल्ली का या फिर बैंगलोर का ये सब जगह का मैग्नेट्स नहीं था। सो मैग्नेट वाला से मैं दो मैग्नेट उठाई हूँ। वन इज बैंगलोर क्योंकि मैं दिल्ली में भी रह रही हूँ बट माई हार्ट बिलोंग्स टू बैंगलोर एंड वन इज डेफिनेटली दिल्ली। सो ये दोनों मैग्नेट्स मुझे पड़ा 100 रुपीज का। मैग्नेट वाला का एक मैग्नेट आप लोगे दैट इज 75, दो मैग्नेट अगर आप ले लेते हो तो दो मैग्नेट्स विल बी 100 रुपीज। ऐसे ही आप मार्केट में एंटर करोगे देर विल बी अ नंबर ऑफ ओपन स्टॉल्स जहाँ पे वो लोग ओपनली सामान बेचते हैं, कोई कवर नहीं है, कोई छत नहीं है, ऐसे ही रखा हुआ रहते। वहां से मैं ये कुर्ती ली हूँ, वुलन कुर्ती एंड प्राइस वो लोग जो बोलता है वो है 350। नाउ जनपद में एक चीज आप लोग को याद करना चाहिए, सरोजिनी करके रख लीजिएगा कि सरोजिनी के तरह वहां पे आप बार्गेन नहीं कर सकते। वो लोग जो प्राइस बोलते हैं वो लोग रेयरली ऐसे होता है कि वो लोग कम करते हैं एंड वहां पे जो क्वालिटी प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है या फिर काम जो होता है, जो फिनिश होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। लाइक गुड क्वालिटी का कपड़ा वहां पे मिलता है। सो ये था 350 रुपीज का। इसका जो काम है इतना सुंदर, इसका पैचवर्क है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा एंड कलर भी इतना अच्छा है। देखिए इसका काम जो है इतना सुंदर है, ये वाला काम, लाइक आई रियली लाइक दिस एंड दिस वॉज 350 रुपीज। बट मैं थोड़ा सा बार्गेन की तो ये लोग 50 रुपीज कम किए मेरे लिए। सो आई गॉट इट ओनली फॉर 300 रुपीज। मैं इसको पहन के आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। सो आफ्टर आई ब्रॉट द कुर्ती, मतलब कुर्ती वुलन कुर्ती जो है उसके जस्ट ऑपोजिट में एक लेडी पर्सेस बेच रहे थे एंड उनके पास बहुत ही यूनिक टाइप का पर्सेस था, वेरी यूनिक, लाइक इट्स लाइक यू कैन से दोज आर पर्सेस, दोज आर कलेक्टेबल्स एंड मुझे ऐसे कलेक्टेबल्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। सो मैं उनके पास से ली हूँ दो पर्सेस और बैग्स, यू कैन से वन इज इंडो वेस्टर्न एंड वन इज कम्प्लीटली इंडियन। लाइक इंडियन सूट्स को बहुत कम्प्लीमेंट करेगा, आप उसको वेस्टर्न करके भी मतलब वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ भी पहन सकते हो। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को। द फर्स्ट बैग विच आई टुक इज दिस वन। दिस इज लाइक मेटल, मतलब ये प्लास्टिक है, ये मतलब मेटल है, ये सॉफ्ट कपड़ों का नहीं बना हुआ है एंड ये वाला मैं इसीलिए ली हूँ क्योंकि अगर आप कुछ मोनोटोन पहन रहे हो, मान लीजिए ब्लैक का कुछ पहन रहे हो एंड द वर्क इज वेरी मिनिमल,
उसको ब्रेक करने के लिए ऐसे टाइप का पर्स बहुत अच्छा लगेगा। ये लिया मेरे से, दिस पर्स वॉज लाइक, मैं टोटल प्राइस इन दोनों का बोल सकती हूँ, दोनों मिला के मेरे पास से ली थी 850 रुपीज, ठीक है, ये पर्स एंड ये पर्स दोनों मिला के शी टुक 850 रुपीज। दिस इज द सेकेंड पर्स विच आई टुक, दिस इज कम्प्लीटली, आप देख सकते हो कितना अच्छा काम है यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये पर्स। एंड मैं ये सोची हूँ कि इंडियन वेयर के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, लाइक मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इसको किसके साथ स्टाइल करूँ, बट वॉट आई फील इज दिस विल रियली रियली लुक गुड विथ इंडियन वेयर। As I was walking, मुझे एक शॉप मिला, शॉप नंबर 48, मुझे अच्छे से याद है शॉप नंबर, क्योंकि भैया जो थे वो बोले हैं कि मैं गारंटी देता हूँ अगर कुछ गलत हुआ या फिर खराब हो गया तो आप आके डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, मेरा स्टॉल नंबर है 48, आप आ सकते हो। मैं वहां से दो चीज ली, एक है कि ये कश्मीरी कॉर्ड सेट जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, पिंक कलर का है एंड इसमें काम जो है वो ब्लू में है एंड ऑरेंज में है, इसके नीचे एक इसका ट्राउजर भी दिया हुआ है, मैं पहन के दिखाती हूँ मैं कैसी लगती हूँ इसमें। एंड सेकेंड चीज जो मैं उनके पास से ली हूँ ये है घर में पहनने का ऊपर एंड नीचे वाला कॉर्ड। आई थॉट कि थोड़ा सा मार्केट आगे तक जाते हैं एंड मुझे एक कोट पसंद आया। नाउ कोट्स, मैं इस बार बहुत सारा कोट्स ली हूँ एंड कोट्स आर लाइक, मुझे लेने का कुछ खास मन नहीं था, बट ये वाला जो कोट है, ये कलर का कोट एक्चुअली मुझे ना अच्छा लग गया, मतलब कलर ऐसा मेरे पास कुछ खास है नहीं एंड इसका जो वर्क है ये भी बहुत यूनिक था, जैसे कि देखिए ये मतलब डुअल कलर का था, सो बाहर एक लाइट कलर से बॉर्डर है एंड अंदर ये वाला कलर है, इसके साथ एक बेल्ट भी है, तो मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगा एंड मैं ये कोट ले ली। दिस वॉज ओनली फॉर 100 रुपीज। सो आफ्टर यू हैव शॉप्ड इन जनपद, मुझे एक्चुअली जनपद इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि देर इज़ अ लेन नोन एज द गुजराती लेन। नाउ मैं दिल्ली में 2 साल से रह रही हूँ, पिछले साल मेरी दोस्त आके ये लेन के साथ, मतलब आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दिस लेन एंड मुझे ये लेन बहुत अच्छा लगा, लाइक गुजराती लेन बहुत सुंदर है एंड वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको देख के, मतलब सामान जो है वो सब देख के आपको खरीदना होता है। सो मैं एक शॉप में गई, वहां पे मैं ये वाला बैग ली, दिस बैग वॉज फॉर 100 रुपीज। तो इंडियन आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगेगा, वेस्टर्न में भी अच्छा लगेगा, अगर आप लोग बोहो आउटफिट्स पहनते हो, ठीक है, बंजारा लुक आपको पसंद है, देन दिस विल रियली रियली लुक गुड। सो आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज एंड इसके साथ मैं ये पोटली भी ली हूँ फॉर माई मदर, क्योंकि मेरी मम्मी को पोटली बहुत अच्छा लगता है, दिस वॉज ऑल्सो फॉर 100 रुपीज। लास्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम गुजराती लेन इज दिस बोहो बंजारा बैग एंड आई मीन लव दिस बैग, लाइक मैं ऑनलाइन बहुत बार सर्च की थी ऐसे बैग्स का, मुझे एक्सी में मिला था ऐसे टाइप्स का बैग, बट इट वॉज रियली एक्सपेंसिव, लाइक 2,587, 3,000, 4,000 का। एंड गुजराती लेन में पिछले बार जब व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू गुजराती लेन, माय फ्रेंड गॉट दिस बोहो बैग फ्रॉम शॉप नंबर 5, आई वाज इन लव विद दैट बैग एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वो बैग, मैं भी चाहती थी बट उस टाइम में मैं खरीद नहीं पाई थी, बट दिस टाइम व्हेन आई वेंट ये वाला जो बैग है मुझे बहुत अच्छा लग गया, लाइक ये डेफिनेटली उसकी मतलब पर्स नहीं है, ये पोटली है, ठीक है, ये पूरा ओपन है अंदर एंड इसको आप मतलब ये वाला पुल करके इसको आप बैग बना सकते हो अगर आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट रखना है तो। सो आई टुक दिस फॉर 2,000 रुपीज फ्रॉम शॉप नंबर 5 एंड आई डोंट रिग्रेट पेइंग इट बिकॉज इसका वर्क देखिए, आप लोग देख सकते हो कितना फाइन वर्क, कितना अच्छा फिनेस है, मतलब दिस इज रियली एन आर्ट। सो गाइज ये था
था मेरा जनपद का हॉल। अगर आप लोग को मेरा वीडियोस थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगले वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।